क्या कभी आपने दूध के ऊपर चने डाले हैं? चने के साथ साथ दोस्तों आज हम इसमें डालेंगे कुछ अन्य चीजें, जैसे कि इसमें हमने केले का इस्तेमाल करना होगा। और आज की जो रेसिपी है वो आज सभी ने शायद कभी ना कभी सुनी और देखी जरूर होगी, लेकिन घर पे कभी ट्राई नहीं करी होगी। चने के ऊपर आप एक केला डाल दीजिए, छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके डालिएगा। और उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर क्वांटिटी ज्यादा हो या फिर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो दो केले और दूध बढ़ा लीजिएगा। साथ ही में थोड़ी सी किशमिश डाल दीजिए। किशमिश के साथ हम इसके ऊपर डालेंगे हल्की सी डबल किशमिश, क्योंकि किशमिश इसमें खास रेसिपी है आज। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ के साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ी सौंफ। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ काजू। साथ ही में हम डालेंगे इसमें कुछ बादाम। और अब अगर आपके पास खजूर हो तो खजूर भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम शक्कर। शक्कर आपके पास नहीं हो तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं या थोड़ी गुड़ बढ़ा सकते हैं। इस पूरे को अच्छे से घुमाएं। इसमें एक चीज और है, वो है केसर। केसर भी इसमें जाएगा अगर आपके पास, क्योंकि केसर अभी नहीं डाला है। और अब सो करने का मतलब है कि सब के एसेंस आ जाएं, ये थोड़े नरम पड़ जाएं और दूध इनको अच्छे से सोक करें। तो इसके लिए मैं इसको 15 मिनट 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ूंगा और उसके बाद इसका इस्तेमाल करूंगा और रेसिपी को तैयार करूंगा। तो चलिए मैं इसको ढकता हूं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं लगभग, तो मैं इसका ढक्कन हटाता हूं। और अब दोस्तों हमने इस सारे मिश्रण को एक मिक्सी के जार में ले लेना होगा और इस सारे मिश्रण को हमें घुमाना होगा। ये सोक अच्छे से किया था, अब मिक्सी के जार में घुमाने के लिए हमने इसको ढक्कन लगाया है। हल्का सा दूध ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि घुमाने में फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब जैसे ही ये घूम जाएगा हमने इसमें हल्का दूध और ऐड करना है। ये हमने एक नया बहुत ही बढ़िया एनर्जी आपके लिए शेक बना के तैयार करा है। आप एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। जो भी इसका सेवन करेगा वो अलग ही थोड़ा महसूस करेगा। हेल्दी चीज़ है, सारे मिनरल्स और विटामिन से युक्त है।